Hi friends, this is KD Shivam. Today once again we will continue with maxims of equity. बरोबर आज हम करेंगे equity follows the law. आज का हमारा maxim होगा equity follows the law. इसको लैटिन में कहते हैं equitas sequitur legem. Equitas sequitur legem. Okay. अब ये maxim ये कहता है कि equity will never or not allow a remedy that is contrary to law. इसका मतलब ये है कि equity कभी भी common law के खिलाफ नहीं जाएगा. It will never go contrary to the law. Equity will never replace or violate the law. बराबर neither उसको replace करने की कोशिश करेगा ना उसको overcome करने की कोशिश करेगा. But it backs it up. मतलब वो एक supplementary बनेगा. It will become a supplement. Supplement मतलब एक supportive बनेगा. Where the common law fails, equity enters. वापस बता रहा हूँ, जहाँ common law fail होता है या तो कहीं miss करता है, equity उस जगह को भरता है. Equity कभी भी उसको overcome या overpass नहीं करता है law को. Right? This is what equity follows law. So equity follows appropriate rules of law such as the rules of evidence and pre-trial discovery. Equity will follow established rules and precedents and will not change or unsettle rights which are defined and established by existing legal principles. Right? So ye jo already established rules hai, precedents hai, ये इनको चेंज करने की कोशिश कभी भी इक्विटी नहीं करेगा. दैट्स द मीनिंग ऑफ इक्विटी फॉलोज द लॉ. अब अगर इस मैक्सिम के लिए हम केस ले लें तो यहाँ दो केसेस हैं बराबर जो हमने डिस्कस किया है. यहाँ पे पहला वाला है स्ट्रिकलैंड वर्सेस एल्ड्रिज. ये केस में ऐसा है कि फादर जो हैं वो विल बनाने वाले थे अपने बच्चों के लिए. तब उनका जो बड़ा लड़का है वो आगे आता है और उनके पापा को रोकता है विल बनाने से. कहता है कि सर पापा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका हमारा जो भी प्रॉपर्टी होगा मैं भाई बहनों के बीच में सही रीत से बंटवारा करूँगा या तो डिवाइड कर दूंगा. राइट? तो दिस वाज द प्रॉमिस गिवन बाय द सन टू हिज फादर. और फिर पापा के गुजरने के बाद वो मुकर्रर मतलब वो अपने प्रॉमिस तोड़ देता है. वो प्रॉमिस उसका प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता है. यहाँ लॉ कॉमन लॉ क्या कहता है कि एज पर लॉ ऑफ सक्सेशन राइट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द एल्डर सन. बट हियर द इक्विटी मेक्स एन एंट्री. जहाँ कॉमन लॉ अपना ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर सकता है या परफेक्ट जस्टिस नहीं दिला सकता है वहाँ कॉमन लॉ की इक्विटी की एंट्री होती है. So equity enters here and it says that it would have been against conscience to allow a son to keep the benefit of the legal estate which he obtained by the way of his promise. So this is what law of conscience, right? And thus where the court of law missed an important point, equity corrected the law and followed it on the simple principle of conscience. नेक्स्ट केस लॉफस वर्सेस मॉ. ये भी सिमिलरली है जो पहला वाला केस है उसके जैसा ही है. राइट? यहाँ कैसा है कि एक पर्सन अपनी नीस को बोलता है कि अगर आप हमारे साथ रह जाती हो तो मैं जब विल बनाऊंगा तो मेरे प्रॉपर्टी का जब विल बनाऊंगा तो उसमें एक शेयर आपका भी होगा. फिर से यही होता है, नीस बेचारे भरोसे पे रह जाती है साथ में लेकिन वो उस विल को फाड़ देता है या कैंसिल कर देता है. राइट? और फिर उसके बाद अब क्या हो गया, जब उसने विल को कैंसिल कर दिया तो इनको जो शेयर मिलना था मिलता नहीं है उनके गुजरने के बाद, वो पर्सन के गुजरने के बाद. तो यहाँ इक्विटी एंट्री लेता है. तो एज पर कॉमन लॉ नीस को मिलेगा नहीं लेकिन इक्विटी हेल्ड दैट द सेम प्रॉपर्टी वॉज इन फेवर ऑफ द नीस सब्जेक्ट टू द ओरल एग्रीमेंट. सब्जेक्ट टू द ओरल एग्रीमेंट एंड शी विल बी कंसिडर्ड टू बी इट्स ट्रस्टी as shown in the will of successor and her share will have to be given because
Equity will not allow commitment of breach of trust. This is what equity does. Applications. कहाँ कहाँ use होते हैं? Equity does not allow an unfair use to be made of legal rights. Right? Legal rights का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, गलत use नहीं होना चाहिए. वहाँ equity की entry या तो apply होता है. So equity follows the law in regard to the rule of primogeniture. राइट, प्राइमोजेनिचर का मतलब है जो इंपॉर्टेंट है, जो सही तरीके से, दैट इज कॉल्ड प्राइमोजेनिचर. इन मैनी केसेस इक्विटी एक्ट्स बाय एनालॉजी. कंसिडरेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको कंसिडर करना है. जो ऑप्शंस हैं उसमें से सही ऑप्शन, जो सबसे करीब वाला ऑप्शन है, उसको एनालॉजी बोलते हैं. टू द रूल्स ऑफ लॉ इन रिलेशन टू द इक्विटेबल टाइटल्स एंड एस्टेट्स. Equitable estates are guided by the rules of decent as legal estate. Limitations. Where a rule of law did not specifically and clearly apply. जहां rule of law specifically या clearly apply नहीं हुआ, वहां equity नहीं होगा. वहां पे equity का application नहीं हो सकता है. उसी तरह where even by analogy the rule of law did not apply. So by through analogy also, if rule of law is not applied, then equity also fails. उसका ये limitation रहेगा. Recognition. Indian में, Indian Constitution में, Indian Acts में कहाँ का ये recognize होते हैं? Section 141 of the Properties Act 1925 और Section 97 of the Indian Succession Act. Right? Properties Act अभी हमने देखा division वाला. डिवाइड करने वाला एस्टेट डिवीजन का. और इंडियन सक्सेशन एक्ट, अभी हमने वो जो एल्ड्रॉफ वाला स्टिकलैंड वाला जो एग्जांपल देखा था, सन वाला, वो है. और तीसरा जो है लिमिटेशन एक्ट. लिमिटेशन एक्ट वो है कि हर चीज का एक टाइम लिमिट होता है. राइट, फॉर एग्जांपल आपको एक केस फाइल करना है, बराबर. तो अगर आप केस फाइल करना है तो आप अपनी मर्जी से केस फाइल नहीं कर सकते हैं. चार साल के बाद, पाँच साल के बाद, हर एक का एक टाइम लिमिट हो सकता है. क्योंकि क्या है कि आपने फ्रेमिंग किया हो, या तो गलत फॉर्जरी किया हो, चीटिंग किया, ऐसा भी हो सकता है. तो इसलिए हर चीज़ का एक टाइम लिमिट रखा है. उस टाइम लिमिट के अंदर अगर कोई सपोज डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कि फिर फाइल केस करना है, तो केस फाइल करना है, तो ये सब का एक टाइम लिमिट रखा है. दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन एक्ट 1963. So these are the recognition of this maxim in our Indian constitution, right? So Indian law, and I hope you understood. Aur agar aapko acha laga to please subscribe, like aur share karna mere channel ko, aur ye video ko share karna so that sabko pahunche. Aur please bell icon press karna so that aapko hamara next maxim ka notification mile. Okay? Have a nice day. Bye.